जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। सावन के महीने का समापन हो रहा है और अब भाद्रपद महीने की शुरुआत होने वाली है। भाद्रपद में कई विशेष पर्व मनाए जाते हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन और गणेश चतुर्थी प्रमुख त्यौहार हैं। इन दो दिनों में अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की श्रद्धा शक्ति भक्ति से पूजा आराधना करते हैं और भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं और अपने दिल की बात अगर उनसे बयां करते हैं तो यकीन जानिए आपकी जो भी मुरादें हैं वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवरात्रि में जिन तीन राशि के जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यह जानकारी मैं आपको उन समुदाय के उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो नवरात्रि में विवाह करते हैं अथवा उनके यहाँ पर विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। खासकर पंजाब के लोग या पंजाबी समुदाय के लोग, सिंधी समुदाय के लोगों में नवरात्रि के 9 दिनों में जो है शादी संपन्न किए जाते हैं बिना किसी तिथि मुहूर्त को देखे। तो अगर आप पंजाबी समुदाय के लोग हैं या पंजाब से बिलोंग करते हैं और सिंधी परिवार से हैं, पंजाबी परिवार से हैं, तो उन तीन राशि के जातकों के नवरात्रि में सगाई और शादी के 100% योग बन रहे हैं। तो यह सभी जानकारी आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है। इसके अलावा मैं आपको उन तीन राशियों के बारे में बताऊंगा, ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा मात्र चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। कई ऐसे जातक हैं जो हमें कमेंट में यह कहते हैं कि आपकी जो जानकारी है वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ रही। तो बंधु, आपको बता दूं कि जो आपको जानकारी दी जा रही है वो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। यानी कि शुक्र और गुरु के अलावा मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा का जब भी राशि परिवर्तन होता है और उस राशि परिवर्तन के आधार पर जिन जातकों के लिए शुभ योग बनता है उसकी जानकारी दी जाती है। और यह जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाती है, यानी कि चंद्र कुंडली के जातक के लिए यह जानकारी सटीक बैठती है। तो आप अपनी जो चंद्र राशि है वो अवश्य ज्ञात कर ले और फिर यह जानकारी आपके लिए सत्य और सटीक अवश्य रहेगी। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी है उन जातकों को जिन्हें हमेशा यह संदेह रहता है कि जानकारी किस आधार पर दी जाती है। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई है को लेकर इच्छुक है किंतु शादी तय नहीं हो पा रहा है तो अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव उनका कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपकी जीवन साथी का करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सासू माँ का स्वभाव कैसा होगा, इसके अलावा पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव उनका उम्र कितना होगा, यह सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली के आधार पर मौखिक या लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप 8521 83 56 70 8521 83 56 70 पर संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर अगर जल्दबाजी में निकल गया है, आप नोट नहीं कर पाए हैं, तो आप वीडियो के नीचे जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521 83 56
7-0। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ऐसा नहीं है कि केपी कीवानी से, आप अपने स्थानीय ज्योतिष पंडित से अवश्य संपर्क कर कुंडली मिलान करा ले। इससे आपको वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आप कुंडली मिलान कर वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों को जान लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। शास्त्रों में निहित है, नारी दोष भकुर दोष अथवा मांगलिक बलि होने पर अगर विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। अक्सर आपने दंपतियों को देखा होगा कि आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर अनबन उनमें बनी रहती है। वहीं तीसरा जो व्यक्ति होता है उनके मन में ऐसा आता है कि शायद ये इनके लिए नहीं बने हैं। अगर इनके साथ अगर आपकी शादी हो जाए या आपके साथ उनकी हो जाए तो सामंजस्य बैठता, तो यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष रहता है तो शादी में विलंब अवश्य ही होता है। तो कुंडली मिलान अवश्य करा ले। अगर आप केपी कीवानी से कराना चाहते हैं तो अवश्य कुंडली मिलान कराएं और मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके बीच जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके अलावा प्रकृति, स्वभाव, प्रेम, ता ये सब कैसी रहेगी, यह सभी जानकारी आपको कुंडली मिलान में मिल जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 राशियों के जो है नवरात्रि में योग बन रहे हैं। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है तो 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य जो है नवरात्रि रहने वाला है। और इन दिनों में जो है माँ दुर्गा के 9 रूपों के भक्ति भाव से पूजा आराधना की जाती है। हालांकि वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है किंतु शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इसके अलावा चैत नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में, जबकि चैत में चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि अश्विन महीने में मनाई जाती है। पितृपक्ष समापन के पश्चात शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। तो इन 10 दिनों में जो है 3 राशि के जातकों की शुक्र के राशि परिवर्तन से, मंगल के राशि परिवर्तन से और सूर्य के राशि परिवर्तन से योग बन रहे हैं। बात करें सर्वप्रथम की तो सर्वप्रथम शुक्र राशि परिवर्तन की जानकारी मैं आपको देता हूं। तो शुक्र 24 सितंबर को जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मंगल जो है पूर्व से ही वृषभ राशि में है और 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। इसके अलावा सूर्य जो है वो कन्या राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगली जो और अंतिम राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों पे, चूंकि मीन गुरु जो है राशि परिवर्तन कर मीन में विराजमान है, तो मीन राशि के जातक के जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि का आगमन है। इसके अलावा उनके विवाह के भी प्रबल योग हैं। हालांकि 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य जो है 100 से 1000% योग है, क्योंकि शुक्र का गोचर और गुरु का गोचर दोनों ही मीन राशि में हो जाएगा 2023 में। तो उन दिनों में तो 1000% योग है। उससे पहले नवरात्रि में जो है मीन राशि के जातकों के जो है शादी के योग बन रहे हैं। तो 3 राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कन्या राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, मंगल का जो है वो वृषभ राशि में गोचर पहले से हो रखा है और 16 अक्टूबर तक वो वृषभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य का जो है कन्या राशि में ही गोचर हो रखा है, गुरु का जो है मीन राशि में गोचर हो रखा है और चंद्रमा हर 2.25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो उसकी भी जानकारी मैं अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। इससे पहले मैं आपको इन 3 राशियों के बारे में बताता हूं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है आप पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, तामसिक भोजन का परित्याग करें, कुश के बिछावन पर आप शयन करें। नवरात्रि के 9 दिनों में चप्पल बिल्कुल ही धारण ना करें। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो 9 दिनों तक उपवास रखें, अन्यथा प्रथम दिन और अष्टमी के दिन आप व्रत अवश्य रखें। वहीं अगर आप सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं तो षष्ठी से लेकर नवमी के दिन आप विशेष पूजा आराधना माता का अवश्य करें। इसके अलावा जो सप्तमी के दिन जो है माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से जो है विवाह में आ रहे विलंब दूर हो जाते हैं, तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसके चलते इनकी शादी में बहुत विलंब होता है। ये एक बार अपने पैर पर खड़े होना चाहते हैं
बहुत कम बोलते हैं, मृदुभाषी होते हैं कन्या राशि के जातक। तो जब ये बहुत कम बोलते हैं, इनके संपर्क में भी बहुत कम लोग होते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के जो योग प्रबल हैं और नवरात्रि के दिनों में यानी कि 10 दिनों में आपके लिए शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। पंजाबी समुदाय से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपके सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। विवाह जो है वो ASD इनमें से किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में आप बन सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो लड़के जो है वो शिव जी की पूजा करें और लड़कियां जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें तो इससे योग बनने लगेंगे। अगली राशि जो है वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है BUV से शुरू होता है। इनके विवाह जो है H और Y नाम से S नाम के जातक से होने के प्रबल योग बनते हैं। जन्मदिन से इनके विवाह के योग 23वें वर्ष से बनते हैं, लेकिन कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो इनके विवाह के प्रबल योग रहते हैं। बात करें कि मंगल का, तो मंगल जो है लव मैरिज के कारक माने जाते हैं। अगर कुंडली में मंगल विराजमान हो पंचम भाव में, सप्तम भाव में, लग्न भाव में, तो जातक के लव मैरिज के योग रहते हैं। तो मंगल का गोचर जो है वृषभ राशि के जातक के लग्न में हो रहा है, इसके चलते जो है वृषभ राशि के जातक लव मैरिज के लिए अपने पिताजी से, माताजी से बात कर सकते हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिले, शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन भूल कर भी ना मिले। इन दिनों में काले कपड़े बिल्कुल ही ना पहने। तो यह तो वृषभ राशि के जातक। अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर D से शुरू होता है। गुरु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी प्रदान करने वाला है और इन दिनों में यानी कि 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि में ही गुरु का गोचर हो रखा है। इस दौरान आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन में जो है वृद्धि होगी। इसके अलावा उन जातकों के शादी के भी योग हैं जो अविवाहित हैं। तो नवरात्रि के 10 दिनों में आपके लिए शुभ समाचार आएगा। SGV नाम में से किसी एक जातक के साथ आप पर्णय सूत्र में बन सकते हैं। तो यह तो जानकारी आपको मीन राशि के बारे में बताई है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन तीन राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जो है नवरात्रि के 10 दिनों में बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड का प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले, व्यक्ति विशेष के लिए जानकारी लागू नहीं होता है। व्यक्ति विशेष की जानकारी आप अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप KP की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली दिखाकर ग्रह दशा ज्ञात कर संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।